Good evening, everyone. My name is Zareen Shafi, and I'm going to deliver a talk on Father Henry Heras. Thank you very much for this opportunity. मैं बहुत happy हूँ कि सिंधुजन Academy ने मुझे invite किया है Father Heras के बारे में बोलने के लिए, और मैं बहुत privilege feel करती हूँ कि मैं Father Henry Heras के बारे में बात कर रही हूँ. मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की एक स्टूडेंट हूँ, और फादर हेरास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉलेज में और थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री के लिए, वो बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज का फादर हेरास ने ही शुरू किया था. और आज के लेक्चर के द्वारा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी, तो मेरा बहुत ये गर्व की बात है मेरे लिए. थैंक यू वेरी मच सिंधुजन अकेडमी फॉर मुझे इन्वाइट करने के लिए, डॉक्टर सुजीत सिंदेश सर एंड संदीप सर, संदीप जाधव सर, फॉर हेल्पिंग मी विथ ऑल द टेक्निकल थिंग्स. एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन टुडे. सो ये हमारे फादर हेनरी हेरास है, इनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी. ये स्पेन से आए थे, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है. फादर हेनरी हेरास का नाम एनरिक हेनरी हेरास डी सिजर्स है, और जब ये इंडिया में आए इन्होंने अपना फर्स्ट नेम एनरिक को चेंज करके हेनरी एंजेलाइज किया. इनका जन्म 11 सितंबर 1888 को हुआ गया है, स्पेन के रहने वाले, स्पेन में इनका बर्थ हुआ है. इनके पेरेंट्स मरिया सिजर्स और पोंटियो हेरास है. फादर हेरास की जो फैमिली है वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आए हैं, एंड एक विलेज है एड्री करके जो स्पेन में है, और इन ये काफी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से थे. बट फादर हेरास का बचपन से ही इच्छा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना था, तो इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर, अपने जो प्रिविलेजेस थे फैमिली के उसको ड्रॉप करके, इन्होंने रिलीजियस फील्ड में आए. और क्योंकि इन्हें अपने लोगों के लिए, इनको सोसाइटी ऑफ जीसस ज्वाइन करना था और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना था, तो ये इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1955 में हुई बॉम्बे में. और जब ये बॉम्बे आए 1932 में, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो 33 इयर्स की थी पूरी बॉम्बे में और इंडिया को डेडिकेट की गई. इनका एजुकेशन और टीचिंग करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा गया है. इन्होंने अपनी पढ़ाई कैथोलिक थियोलॉजी में की, जो सेक्रेड हार्ट कॉलेज बार्सिलोना में था. इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस ज्वाइन किया, जो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, जो बहुत सारे अपने सर्विसेज और ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है. और इनके जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस के, इनको जेजुइट्स कहा जाता है. और इनका जो वे ऑफ लाइफ होता है जेजुइट्स का, वो बहुत दानशूर होते हैं. वो अपनी लाइफ एकदम डिसिप्लिन से जीते हैं. इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेसिवली एजुकेशन, सोशल वर्क, रिसर्च और सोशल इक्वालिटी में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं. तो फादर हेनरी हेरास जी ने जब वो जेजुएट बने 1904 में, अपना पूरा एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर उन्होंने 3 इयर्स उन्होंने एजुकेशन एज अ फील्ड चुना, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए. उन्होंने फिलोसफी सिखाया टार्टोसा में, 3 इयर्स उन्होंने हिस्ट्री सिखाया स्पेन में, एलांचेट में और ओरियोला में. ही ऑल्सो डिड, उन्होंने थियोलॉजिकल कोर्स किया बार्सिलोना में, एंड बाय 1920 उनको प्रीस्टहुड ऑर्डेन किया गया. उनको प्रीस्ट के तौर पर उन्हें वो दर्जा दिया गया. उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मांचू डिनेस्टी, जो चाइना की बहुत फेमस डिनेस्टी थी, वहां पे उन्होंने कंप्लीट की स्पैनिश लैंग्वेज में इन 1916. जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे थे, तब उन्होंने अपने जो प्रोफेसर है, अपने डिपार्टमेंट को असिस्ट किया, हेल्प किया एनसाइक्लोपीडिया बनाने में, जो 70 वॉल्यूम्स का था. फादर हेरास को इंग्लिश नहीं आती थी, पर उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक थियोलॉजी स्टूडेंट, उनके जो यूनिवर्सिटी थे फ्रांस प्रूस, उनसे सीखा, और उन्होंने फ्रांस प्रूस को इन रिटर्न स्पेनिश सिखाया. तो पहले से ही फादर हेरास का जो नेचर था, वो बहुत गिविंग नेचर था. उन्हें
वो लोगों से सीखते थे और उनको भी जो भी उनके पास नॉलेज रहता था वो सिखाते थे। और जब उन्होंने इतनी सारी अर्ली अचीवमेंट्स उनकी थी तो उनको प्रिंसिपल ऑफ एल सल्वाडोर कॉलेज स्पेन में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने 1921 to 1922 वो टीचर थे यूएसए में जेजुइट कॉलेज ऑफ जारागोज में। एंड इंडिया से आने से पहले जब वो 1922 में इंडिया आए उससे पहले उन्होंने 4 years चाइना में रहकर चाइना के जो हिस्ट्री है और जो फॉर्मेशन हुआ है चाइना में कंट्रीब्यूशन किया, स्टडी किया। और 1922 को उनके इतने सारे अचीवमेंट्स को देखकर उन्हें बॉम्बे भेजा गया, बॉम्बे के लोगों को लाइफ सुधारने और एजुकेशन के फील्ड में सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो एक जेजुइट मिशनरी कॉलेज है उधर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे ही वो इंडिया आए उन्होंने अपना नाम एनरिक से हेनरी कर दिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस मुंबई, ये बहुत ही बड़ा वेल नोन कॉलेज है। लास्ट ईयर ये कॉलेज ने 150 years कंप्लीट किए और फादर हेरास का कॉन्ट्रीब्यूशन ये कॉलेज में बहुत ही ज्यादा है बिकॉज यही कॉलेज ने फर्स्ट टाइम मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज इन हिस्ट्री स्टार्ट किया था। फादर हेरास का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हिस्ट्री के फील्ड में है वो मैं जितना बताऊंगी वो कम है। जब फादर हेरास आए बॉम्बे में उन्हें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। जब उनको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया और पूछा कि आप क्या पढ़ाना चाहोगे, आप क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया में आया हूं और मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में सीखना है। और उन्होंने बाकी की अपनी जिंदगी जो थी 33 years की वो पूरी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर, कल्चर में इतना डीप स्टडी किया और उन्होंने उसका जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो इन द फॉर्म ऑफ हिज कलेक्शन है, बुक्स है, इंस्टीट्यूट है। और आज भी उनकी लेगेसी हम स्टूडेंट्स आफ्टर सो मेनी ईयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। फादर हेरास ने और मोर देन 13 बुक्स लिखे गए हैं एंड स्कॉलर पेपर्स, स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे थ्रू आउट द वर्ल्ड पब्लिश किया गया है। फादर हेरास ने अपना जो स्टडी है हिस्ट्री की और रिसर्च, उन्हें लगा था कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा ही जानकारी करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया सेंट जेवियर्स कॉलेज में जिसका नाम था इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1926 में जाना गया। एंड आज भी ये इंस्टीट्यूट वर्किंग है, बहुत अच्छे से रिसर्च गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये इंस्टीट्यूट। और फादर हेरास के डेथ के बाद ये इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके हेरास इंस्टीट्यूट रखा गया। और आज के टाइम पे जो हेरास इंस्टीट्यूट है ये कंट्री का लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एंड इस इंस्टीट्यूट में एक म्यूजियम है, बहुत अनोखे कलेक्शंस है और कुछ ऐसे रेयर बुक्स है जो दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। उन्होंने एक रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया, उन्होंने एक लाइब्रेरी स्टार्ट की। एंड उनका जो तरीका था चीजों को कलेक्ट करने का, जो हम हिस्ट्री में कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन, वो काफी यूनिक था। फादर हेरास जब मुंबई के रोड्स पर चलते थे उन्हें वो काफी ऑब्जर्वेंट रहा करते थे। ऐसे ही एक टाइम में उन्होंने एक लोकल बुक रोड पे एक लोकल आदमी बुक्स बेच रहा था, उन्होंने अपने विजन से वो देखा, उन्होंने देखा कि एक बहुत रेयर बुक जिसका नाम है रिमार्क्स एंड ऑकरेंसेस जिसको हेनरी बेंचर ने लिखा गया है। हेनरी बेंचर एक प्रिजनर थे टीपू सुल्तान के कोर्ट में और उन्होंने 2.5 years टीपू सुल्तान के कोर्ट में स्पेंड किया है। और वहां से उन्होंने, हेनरी बेंचर जब वहां से निकले उन्होंने अपने कैसे उन्होंने वो प्रिजन को एस्केप किया टीपू सुल्तान के बारे में काफी लिखा गया है। एंड ये जो बुक है रिमार्क्स एंड ऑकरेंसेस ये पहली बार बॉम्बे में प्रिंट हुई थी और आज के टाइम में इसकी कोई भी बुक कॉपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फादर हेनरी हेरास के म्यूजियम में है जो फादर हेनरी हेरास ने उस वक्त 4 anna दैट इज 15 paise में खरीदा था। अपनी रिसर्च को और हिस्ट्री के जो स्टडी है उसको डीप जाने के लिए इन्होंने बहुत सारी जगह ट्रैवल की। एक हिस्टोरियन को बहुत सारे एक्सकवेटेड साइट्स पे जाना पड़ता है, बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम ना ही पढ़े बट उस जगह पर जाकर उसको ऑब्जर्व करें। तो उन्होंने काफी सारे स्कल्पचर्स, स्टैचूज अपने एक्सकवेशन में कलेक्ट किए। ऐसे चलते फिरते भी उन्हें रोड पर कुछ भी यूनिक दिखता था वो कलेक्ट करके अपने इंस्टीट्यूट में लेके आते थे। तो आज के टाइम में हेरास इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्कल्पचर्स और मूर्तियां हैं जो बहुत सारे सेक्ट्स, फॉर एग्जांपल शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं।
हेरास इंस्टीट्यूट का जो कलेक्शन है वो इंडियन एंटीक्स में है, हमारे पास इंस्टीट्यूट में प्री हिस्टोरिक पॉटरी है, गांधारा स्कल्पचर्स है, जिसके वजह से हेरास इंस्टीट्यूट के जो गांधारा स्कल्पचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। ब्रास और ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स है, क्रिस्टियन आइवरीज है, वुडवर्क्स, कॉइन्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स भी है। तो हेरास इंस्टीट्यूट का कलेक्शन प्री हिस्ट्री से लेके मिडिवल टाइम्स तक हमको दिखा जाता है। फादर हेरास ने एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस वलभी, चांदनेर, सौराष्ट्र, कर्नाटका के साइट में किया और वहां से काफी सारी चीजें वो लाए और आज वो हेरास इंस्टीट्यूट का पार्ट है। इनफैक्ट फादर का जो डेडिकेशन देख के एक प्रिंसली स्टेट ने उन्हें एक नंदी, होली नंदी, जो शिव भगवान की जो वहीकिल है, उन्हें गिफ्ट की एंड वो 4 feet टॉल है और आज भी वो हेरास इंस्टीट्यूट में है। बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन जो जिसकी वजह से हेरास इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड से लोग आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं स्टडी करने के लिए, वो है सर जब फादर हेनरी हेरास ने नालंदा में एक्सकवेशन किया था, वहां से वो एक स्तूपा का छोटा सा पार्ट टुकड़ा लेकर आए और हेरास इंस्टीट्यूट में उन्होंने वो रखा। उन्हें सुमेर भी बुलाया गया था, दैट इज मेसोपोटेमिया, जो वहां पे जो साइट थी, और वहां पे उन्होंने वहां की सील्स, मेसोपोटेमियन सील्स लेके आए और उनके पास उन्होंने मास, गौतम बुद्धा के अलग अलग तरीके के जो मेटल्स में मास बने हैं वो भी वो लेकर आए। इनफैक्ट उन्होंने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक बुलक कार्ट से वहां का जो एंट्रेंस में आर्टिफैक्ट था वो भी लेकर आके हेरास इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस पे रखा गया है। उन्हें बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीजों को कलेक्ट करना, उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में और रिसर्च करके हिस्ट्री के फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करना। उन्होंने काफी सारे जो मुद्रा होते हैं, रॉयल स्टैम्प जो किंग्स इशू करते थे वो लेकर आए, वो उन्होंने कलेक्ट करके अपने इंस्टीट्यूट में रखा है। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट, ग्रेको बुद्धिस्ट, दैट इज ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस आर्ट में है, गांधारा इन्फ्लुएंस, वो लेकर आके उन्होंने अपने साइट में रखा है। उन्हें सेंट मेरी हाई स्कूल के जो रेक्टर थे उनका काम देख के, उनका इतना अच्छा कलेक्शन देख के उनको 4 guns गिफ्ट किए हैं। तो फादर हेरास ने अपनी पूरी लाइफ जो 33 years की थी पूरा उसमें बुक्स कलेक्ट किए हैं, स्कल्पचर्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, एग्जिबिट्स, और वो सब स्कॉलर्स के रिसर्च के लिए अवेलेबल रखा है। हेरास इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड स्टडी, एंड ये इंस्टीट्यूट का बेसिक एम और जो मेन पर्पस है वो है इंडिया की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जो बहुत ब्यूटिफुल हिस्ट्री है उसको लोगों के तरफ प्रेजेंट करना और रिसर्च स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देना कि वो इस फील्ड में और आगे जा सके। हेरास इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स को ट्रेन भी करता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप हैंडल होता है कि कौन से टेक्निक से आपको रिसर्च अंडरटेक करना है, वो गाइडेंस देते हैं, बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है जिसका इजी एक्सेस है। वो हेरास इंस्टीट्यूट में एक 1 year में एक रिसर्च जर्नल भी आता है जो साल में 2 बार पब्लिश होता है, इंडिका, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो उन्होंने स्टार्ट की थी हेरास इंस्टीट्यूट में वो थी बॉम्बे लोकल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सोसाइटी जो हेरास इंस्टीट्यूट में स्टार्ट की गई है ये पर्टिकुलरली बॉम्बे के हिस्ट्री और बॉम्बे के अननोन फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए है। और बॉम्बे लोकल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा साल में एक मैगजीन निकलता है द एक्सप्लोरर, जो भी हेरास इंस्टीट्यूट के थ्रू पब्लिश किया जाता है। एवरी ईयर जब फादर हेरास का डेथ हुआ, जो उनके सक्सेसर थे, उनके खुद के स्टूडेंट, उन्होंने उनकी मेमोरी के लिए एवरी ईयर लेक्चर्स रखते हैं और जो जेवियर्स कॉलेज में हेरास इंस्टीट्यूट में कंडक्ट होता है, और एक जो लेक्चर था उसमें इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी प्रोफेसर रोमिला थापर को इन्वाइट किया गया था, जो आए यहाँ पर और उन्होंने एक टॉपिक रिकग्नाइजिंग अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस 11th एंड 12th दिसंबर 2013 को उन्होंने उसके बारे में लेक्चर दिया। मैं आप लोगों को हेरास इंस्टीट्यूट के कलेक्शन के बारे में कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ कि 33 इयर्स में फादर हेरास ने कितना कुछ इंडिया के कोने कोने से और रास्ते पर जाकर कलेक्ट करके आज एक जगह पर स्टोर किया है। काफी सारे स्कल्पचर्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स है जो बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं, आर्टिस्टिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड स्कॉलर्स के लिए इन डेप्थ स्टडी करने के लिए स्कल्पचर्स का होना एंड इनका होना बहुत जरूरी है. लॉकडाउन की वजह से मैं कॉलेज हमारा बंद है, इट इज सर्वे एक कोरोना सेंटर बन गया हमारा कॉलेज, इसलिए मैं म्यूजियम जाकर जो आइकॉनिक एग्जीबिशन है गांधारा स्कल्पचर्स में वो कलेक्ट नहीं कर पाई. बट ये जो हैरिस इंस्टीट्यूट जैसे ही हम एंटर करेंगे वहां पे लेन्स में काफी सारे स्कल्पचर्स एग्जिबिट्स रखे गए हैं स्टडी करने के लिए. तो ये सब ये सारे स्कल्पचर्स हैं. ये स्कल्पचर्स का जो रेंज है राइट फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल पीरियड में बिलोंग करता है. फादर हैरिस ने आर्टिफैक्ट्स और जो एग्जिबिट्स है एज फार एज गोवा तक जाके हैरिस इंस्टीट्यूट में लाए हैं. बहुत ही ज्यादा सुंदर कलेक्शन है और एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री रिसर्चर के लिए ये सब देखना और इसको स्टडी करना, आइकनोग्राफी जैसे हम कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइकनोग्राफी स्टडी करके हम उस जमाने में जो कौन से वो जमाने में बिलोंग करता है, कौन से एरा में किया गया है उसके बारे में हमें पता चलता है. ये एक वीरगल है, आप देखेंगे हैरिस फादर हैरिस ने एक वीरगल भी कलेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट में लाया था. ये नालंदा स्तूपा का एक पार्ट है. तो हमारा जो हैरिस इंस्टीट्यूट का जो कलेक्शन है वो म्यूजियम में ही नहीं बट ऐसे पूरे इंस्टीट्यूट के बाहर भी ऐसे काफी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं विजिटर्स को देखने के लिए. ये एक स्कल्पचर है जिसमें इंस्क्रिप्शन भी है. ये बेताल जो राइट हैंड साइड में है ये इन्होंने साउथ इंडिया से लाया था बेताल का स्कल्पचर. काफी बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है, काफी अलग अलग तरीकों का कलेक्शन है. ये भी एक वीरगल है. सीवी रमन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. जब वो कॉलेज में आए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में कॉन्फ्रेंस हो रहा था सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जब वो आए उन्होंने फादर हैरिस का कलेक्शन देखा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए वो कलेक्शन को देख के और उन्होंने बहुत प्रेज किया उनको उनके कलेक्शन के लिए. फादर हैरिस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था. बट उनका वो बहुत बहुत ही ज्यादा एज अ ह्यूमन वो बहुत ही ज्यादा गिविंग नेचर वाले थे. उन्होंने टीचिंग फील्ड में भी बहुत इनोवेशन किया. उन्हें अपना जो नॉलेज है, अपना जो
जितना वो खुद को खुद का नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे पाते थे उन्होंने वो दिया. इनफैक्ट उनका ये एम था कि उनके स्टूडेंट्स उनसे भी बेटर बने. तो वो उस तरीके के उस टाइप के वो इंसान थे, उतना उनका गिविंग था. और जब वो आए बॉम्बे में तब उन्होंने देखा कि इंडियन हिस्ट्री जो इतनी ब्यूटिफुल है इसके बारे में कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है. उन्होंने अपने सेंट जेवियर्स कॉलेज प्रिंसिपल के साथ मिलकर उन्होंने ये बात डिस्कस की और उन्होंने रियलाइज किया कि इंडियन हिस्ट्री बहुत वास्ट और ब्यूटिफुल है, काफी चीजों पर अब तक रिसर्च नहीं किया गया है. तो उन्होंने अपने लिए अपने हेरास इंस्टीट्यूट में फर्स्ट टाइम इन द एंटायर मुंबई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज एमए स्टार्ट किया एंड 1936 में पीएचडी भी देना शुरू किया. फर्स्ट बैच तो था फादर हेरास का, वो था 3 स्टूडेंट से और बाय द एंड ऑफ हिज डेथ उनको मोर देन वो इंस्टीट्यूट में 30 से अप स्टूडेंट्स थे. और आज के टाइम पे सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल वर्ल्ड वाइड फेमस है. फादर हेरास फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और रिसर्च स्कॉलर मुंबई यूनिवर्सिटी के डिक्लेयर किए गए थे. वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका रिलेशन काफी डिफरेंट था. वो फिलोसोफर थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो उन्हें गाइड करते थे, उनके फ्रेंड जैसे थे. इनफैक्ट उनके जो बहुत वेल नोन स्टूडेंट्स हैं धावलीकर सर, मिस्टर आर्कियोलॉजिस्ट एम के धावलीकर, वो कहते हैं कि हेरास सर जो उनके प्रोफेसर थे वो कॉलेज के एंट्रेंस में आते थे एवरीडे अपने स्टूडेंट्स को ग्रीट करने के लिए. उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था वो काफी एडवांस था. उस जमाने में वो ऑडियो विजुअल टेक्निक्स यूज करते थे अपने स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट चीजें सिखाने के लिए. और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो इंडिया का है उन्होंने फाइनेंशियली हेरास इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, पैसे दिए ताकि वो माइक्रोफिल्मिंग डिपार्टमेंट शुरू कर सके लाइब्रेरी में. फादर हेरास का जो एंटायर मेथड था हिस्ट्री सिखाने का या कुछ भी चीज जो वो अपने ऊपर लेते थे वो एकदम सिस्टमैटिकली वो करते थे. और पहली चीज जो उन्होंने की अपने हिस्ट्री टीचिंग के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए वो थी उन्होंने अपनी बुक लिखी द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. और ये बुक में पूरे हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जाता है. एंड हर एक स्टूडेंट जिसको हिस्ट्री स्टडी करना है, जिसको हिस्ट्री में रिसर्च करना है, उन्होंने ये बुक कंपल्सरी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने दी थी. ये बुक जो थी एक मैनुअल गाइड थी हिस्ट्री के स्टडीज प्रिंसिपल्स टेक्निक्स को लिख के. हम हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं, हिस्टोरियोग्राफी जो हम कहते हैं कैसे लिखेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन कौन से स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, हम किस वे से कोई स्कल्पचर को या कोई साइट को एग्जामिन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, उस चीज का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें उन्होंने अपने बुक में सिस्टमैटिकली थरली रिसर्च करके रेफरेंस बुक्स बाकी बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंस बुक रीड करके एक गाइड जैसे अपने तौर पर अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया था. एंड उनका यही मानना था कि जब आप हिस्ट्री लिखते हो तब आपको काफी डीप रिसर्च चाहिए हिस्ट्री के लिए, सोर्सेज आपको यूज करना है और उस सोर्सेज से आपको एनालिसिस ड्रॉ करना है. तो हम जैसे कहते हैं सोर्सेज के बिना हिस्ट्री नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया हेरेटिक्स को. दैट इज जो हम सोर्स कोई भी रिसर्च के हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल हम कैसे करेंगे, उन्होंने बहुत उनपे एम्फेसिस किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को थ्रू आउट अपने जो टीचिंग करियर है उनको बहुत एनकरेज किया कि वो मेथोडोलॉजिकली क्रिटिकली हर एक चीज को एनालाइज करें, इंस्क्रिप्शन या कोई भी आर्टिफैक्ट है उसका एक एक डिटेल जानकर उसके बारे में सोचे, उनका रेफरेंस ढूंढ के उनको एनालाइज करे. उन्होंने उनका फादर हेरास का जो मेथड था हिस्ट्री सिखाने का और अपने जो स्टूडेंट्स को उन्होंने इनकरेज किया हिस्ट्री टीचिंग में और हिस्ट्री स्टडी में, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि जितने सोर्सेस अवेलेबल है उस चीज को लेके आप रीड कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आपको वो लेने चाहिए. तो फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में काफी टाइम से आते थे उन्होंने अपने इंडिया के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, फादर हेरास ने वो सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया. वो अपने वेकेशंस जो उनकी छुट्टियां होती थी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, उन्हें लाइव रियली बताते थे, एक्सकवेशंस कैरी आउट करते थे. फादर हेरास ने काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ लिए और उन्हें ऑन साइट बताया कि किस वे से एक आर्कियोलॉजिस्ट को चीजों को एनालाइज करना चाहिए और एक वो जो नजर होती है ना हमारी आर्कियोलॉजिस्ट को, उस वे से उनको उस चीज को एनालाइज करना चाहिए. वो सारी टेक्निक उन्होंने उनमें उन अपने बच्चों को सिखाई. उन्होंने उस जमाने में जब
टीचिंग एज अ मेथड ऑफ हिस्ट्री बॉम्बे में इतना डेवलप नहीं था तभी उस जमाने में फादर हेरास वेरियस साइकोलॉजिस्ट के जो थियोरीज है वो उसके बुक्स को रेफर करके अपने स्टूडेंट्स को उस मेथोडोलॉजी से सिखाया करते थे. उन्होंने ग्राहम वॉलेस के जो आर्ट ऑफ थॉट है जिसमें फोर स्टेजेस ऑफ अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप कैसे अप्रोच करोगे उसके बारे में उन्होंने पूरा अपने स्टूडेंट्स को उस जमाने में बताया था. उन्होंने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो थियोरी थी थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस के कौन से वे से आप एनालिसिस करोगे क्रिटिक करोगे जज कंपेयर कॉन्ट्रास्ट और कैसे उस चीज को आप एनालाइज करोगे वो सारी चीजें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को उस जमाने में सिखाई थी. सो फादर हेरास अपने ही वॉज क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम. फादर हेरास ने बहुत अमेजिंग इंडियन हिस्ट्री के कलेक्शन में सोर्सेज बुक्स कलेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. बहुत जो फेमस बुक उन्होंने लिखा है वो है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री डिनेस्टी ऑफ विजयनगर बिगिनिंग्स ऑफ विजयनगर हिस्ट्री पल्लवा जीनियोलॉजी इंडोलॉजिकल स्टडीज स्टडीज इन पल्लवा हिस्ट्री द अराविडु डिनेस्टी ऑफ विजयनगर एंड प्रोटो मेडिटेरियन कल्चर. फादर हेनरी हेरास का जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की उसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का उन्होंने वो ट्राई किया. उन्होंने मोहनजोदड़ो और हरप्पा जैसे पर्टिकुलरली साइट्स में एक्सकवेशन कैरी आउट किया और उन्होंने वहां की स्क्रिप्ट को लेके और जो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो इंडिया में थी जो सिविलाइजेशन थी उसके जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उस जमाने में पूरे दुनिया में कौन से सिविलाइजेशन एक्चुअली थे और किस वे में उनका ट्रेड लिंक्स कनेक्शन था उनके भी इंस्क्रिप्शन लेके उन्होंने स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की. और यही जो उनका जो वर्क था उन्होंने जो अपनी कोशिश की थी उन्होंने ये चीज प्रोटो मेडिटेरियन कल्चर में जो बुक मास्टरपीस जो एक मैग्नम ओपस हम कहते हैं उसे उन्होंने 1953 में अप्लाई किया. फादर हेरास ने जब मोहनजोदड़ो स्क्रिप्ट जो अभी तक डिसाइफर नहीं है जब उनका जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सुमेर इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के जो इवन आज के टाइम में जो हमारे द्रविडियन लैंग्वेजेस होते हैं तमिल उन्होंने कहा था कि हरप्पन स्क्रिप्ट जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो सिंबल्स के तौर पर प्रेजेंटेड है उसका जो एनालिसिस है उन्होंने जो स्क्रिप्ट को स्टडी किया था उन्होंने कहा है कि वो इवॉल्व होके आज तमिल लैंग्वेज बनाए और द्रविडियन स्क्रिप्ट बनाए. तो ये जो उन्होंने जो स्टेटमेंट अपने बुक में किया था ये काफी अपीलिंग था काफी लोगों ने उस पर चर्चा की गई एंड हमारे पास आज के दौर पर इतने एविडेंसेस नहीं हैं कि हम इंडस आईवीसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाए बट जो फादर हेरास का जो कंक्लूजन था कि वो एक फिश का सिंबल है वो स्टार रिप्रेजेंट करता है जो द्रविडियन में स्क्रिप्ट से रिजेंबल करता है उसके लिए उन्हें काफी रिकग्निशन और काफी इंपॉर्टेंस स्कॉलर्स ने उस टाइम पे दिया गया. फादर हेरास ने काफी सिमिलैरिटीज बताई इंडस के स्क्रिप्ट इंडस के साइट्स में और सुमेरियन साइट्स में. वो उन्हें सुमेरियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इनवाइट किया था सुमेरियन कल्चर को स्टडी करने के लिए एंड जो लिंक और कल्चर का कनेक्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए. एंड उस दौरान फादर हेरास ने एक सील जो होती है एक आर्टिफैक्ट सुमेरियन की अपने इंस्टीट्यूट में वो लेकर आए थे. इनफैक्ट जब सुमेरियन आर्कियोलॉजिस्ट और फादर हेरास का इतना कांटेक्ट था उन्होंने जो जितना वो जो सोच रहे थे कि उन्हें कनेक्शन बताना है ये दो वेस्ट और ईस्ट की कल्चर में उन्होंने एक सोसाइटी भी शुरू की जिसका नाम था इंडो सुमेरियन सोसाइटी. और काफी सारे एक्सकवेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. वो अफगानिस्तान भी गए थे एक्सकवेशंस करने के लिए और वहां पे उन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया फॉर द स्टडी ऑफ फॉर एक्सकवेशन के लिए रिसर्च स्टडी के लिए वहां के जो लोकल साइट्स है अफगानिस्तान में उसको प्रॉपरली एक्सकवेट स्टडी करने के लिए और वो इंस्टीट्यूट अफगानिस्तान में आज भी है. फादर हेरास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री वो तो बहुत ही ज्यादा इमेंस था बट उन्होंने इंडियन इंडो क्रिश्चियन आर्ट को भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है. उन्होंने हेल्प किया है इंडियन क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियन आर्ट को इंडियन कल्चर से ब्लेंड करने के लिए. जो
इंडियन क्रिश्चियन आर्ट का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हम आज भी देखते हैं साउथ इंडिया में. बहुत सारे क्रिश्चियन स्कल्पचर्स हैं जिसमें बहुत सारे वेरियस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन और क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स को ब्लेंड करके एक अलग आर्ट प्रोड्यूस किया है. तो केरला में फॉर एग्जाम्पल काफी सारे क्रिश्चियन बहुत सारा क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है. 2000 ईयर ओल्ड से क्रिश्चियनिटी की लेगेसी वहां रही है और काफी सारे जो वहां के आर्टिफैक्ट्स है जो आर्ट जो ऑब्जेक्ट्स है वो फादर हेरास ने आइडेंटिफाई करके उन्हें वहां से भी वो काफी सारे चीजें लाए अपने इंस्टीट्यूट में. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और वहां के जो स्टूडेंट्स थे जिनको आर्ट परस्यू करना था जिनको इंडो क्रिश्चियन आर्ट में डीप जाना था उन्हें बहुत मोटिवेट किया. और इसी वजह से वो जो साउथ इंडिया में केरला में जाके गोवा में जाके काफी सारे वो स्कल्पचर्स वहां पे वो लाए और अपने इंस्टीट्यूट में म्यूजियम में जो रेयर काफी रेयर वुडन और मार्बल स्कल्पचर्स है उनको अपने म्यूजियम में उन्होंने रखा. फादर हेरास ने काफी सारे एग्जिबिट्स अपने जो म्यूजियम में थे उसको उसके लिए एग्जिबिशंस रखा था कि ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आए ये सब कनेक्शन देखे और यू नो वो जाने इंडियन और क्रिश्चियन आर्ट के बारे में अपने हिस्ट्री के बारे में. इसलिए उन्होंने काफी सारे ये रखे थे. और एक जो वेरी फेमस जो क्रिश्चियन इंडो क्रिश्चियन आर्ट का जो प्रोपोनेंट है जिन्होंने शुरू की थी ये चीज इंडो क्रिश्चियनिटी आर्ट की जो आर्टिस्ट थे अल्फोंसो डी फ्रांसेसा. फादर हेरास ने इनको बहुत ही मोटिवेट किया था इस ब्लेंड को इंडियन और क्रिश्चियन एलिमेंट्स को फ्यूज करने का. और अल्फोंसो डी फ्रांसेसा ने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई है जिसमें मदर मैरी को सारी के फॉर्म में इंडियनाइज फॉर्म में उन्होंने बताया है. वो लोटस पकड़ के खड़े है एंड उस वे में उन्होंने टिपिकल इंडियन का जो स्टाइल होता है उन्होंने उसको ब्लेंड किया. एंड एंजेलो डी फ्रांसेसा इज लाइक अ फादर, वो फादर है इंडियन क्रिश्चियन आर्ट के लिए. उन्होंने इनको बहुत एनकरेज किया आप गो करो आप इस पे इन्वेस्ट करो. और अल्फोंसो डी फ्रांसेसा ने बहुत ही ब्रिलियंट ये किया था. एक इंटरव्यू में अल्फोंसो के जो डॉटर थे उन्होंने फादर हेरास के बारे में कुछ कहा है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अल्फोंसो डी फ्रांसेसा ने फादर हेरास का एक ऑयल पेंटिंग बनाई थी उनके जो मृत्यु के थोड़े दिन पहले जब वो काफी बीमार थे फादर हेरास. और आज भी फादर हेरास की जो वो पेंटिंग है उनके घर में दीवार पे लगी हुई है. और इससे हमें मतलब यह पता चलता है कि फादर हेरास का कितना बड़ा रोल था ये आर्टिस्ट के लाइफ में कि ये उनको अपने गुरु मानते थे कि उनके ही वजह से वो कितने सारे अपने काम को कर पाए और कितना उसको उनको एनकरेजमेंट दिया फादर हेरास ने. और आज भी उन्होंने फादर हेरास ने उनको अलाउ किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज में काफी सारे हिस्ट्री सेक्शन के लिए पेंटिंग्स ड्रॉ करने अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो वो वही कहते हैं कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने वही कहा है उनके डॉटर ने कि फादर हेरास ने बहुत ही ज्यादा उनके फादर को एनकरेजमेंट दिया था और उनका जो आज अचीवमेंट है वो काफी सारा क्रेडिट फादर हेरास को देते हैं. फादर हेरास ने इनफैक्ट उनको उनके एग्जीबिशंस को प्रेजेंट करने रोम लिस्बन ऐसे सब जगह पर वो गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा एनुअल एक ऑल ओवर लाइक वेरी फेमस एग्जीबिशन स्टार्ट किया था इंडियन क्रिश्चियन आर्ट में. और ये एग्जीबिशन का रिस्पांस इतना अच्छा था कि वैटिकन सिटी ने इनको इन्वाइट किया था जो कैथलिक का सीट है कैथलिक सेक्ट का सीट है ऑफ रिलीजन का. वहां पे इन्होंने यही जो इंडियन क्रिश्चियन आर्ट का एग्जीबिशन है ये वहां पे जाकर इन्होंने प्रेजेंट किया था. ये कुछ एग्जांपल्स है अल्फोंसो डी फ्रांसेसा के वर्क के जो फादर हेरास ने उनको प्रमोट किया था कि आप इस तरीके का आर्ट भी प्रेजेंट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो. ये सारे जो पेंटिंग्स है ये आज भी हमारे इंस्टीट्यूट में हेरास इंस्टीट्यूट में है बिकॉज इन पेंटिंग्स को करने के लिए फ्रांसेसा को फादर हेरास ने ही एनकरेज किया था. फादर हेरास का जो कंट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी में इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे चीजें किए. जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी स्टार्ट किया जो आज के टाइम पे बॉम्बे लोकल हिस्ट्री सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है.
ये इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के भी पार्ट थे, जो आर्काइविंग, जो सिटी के और स्टेट के जो भी आर्काइविंग जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है उनको कलेक्ट करना, वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के पार्ट थे और उन्होंने काफी काफी बार इंडियन कांग्रेस ऑफ हिस्टोरिकल साइंसेस का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता था वहां पे जाके अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। हैरिस, फादर हैरिस सेनेट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह गए हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के, और उस दौर पे उन्होंने काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स और अपने कलेक्शन के बारे में डीप स्टडी करके उनका पेपर प्रेजेंटेशन दिया है। और एवरी ईयर जो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस होता था इंडिया में होता था और या जहां भी कहीं भी वर्ल्ड में होता था, वो इस वो बहुत बिलीव करते थे कि वो अकेले ना जाए, उसे अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ले जाए। फादर हैरिस ने सुमेर में, अफगानिस्तान में, इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। उन्होंने एक और इंस्टीट्यूट जो काफी लोगों को नहीं पता है, बार्सिलोना स्पेन में भी एस्टैब्लिश किया था। और ये एक इंस्टीट्यूट जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपने एक फ्रेंड और एक कॉलीग के साथ किया था, जिनका नाम था एल्मैग्रो। और ये एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां पे ये रिसर्च जर्नल है, वहां का पैम्पलेट है रिसर्च जर्नल का, जहां पे उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे इंडियन ओरिएंटल हिस्ट्री के बारे में। वो वहां के बच्चों को, वहां के जो रिसर्च स्कॉलर्स थे बार्सिलोना के, उनको प्रमोट, उनको आइडिया देने के लिए कि इंडियन हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना रिसर्च है जो आप कर सकते हो, कितना स्कोप है, इसके लिए वो काफी उन्होंने सारे लेक्चर्स दिए थे नवंबर और दिसंबर 1940 के टाइम पे। बट किसी वक्त की वजह से वो इंस्टीट्यूट में भी इतना नहीं कर पाया या जो भी है, और 1941 के बाद वो इंस्टीट्यूट के बारे में हमें कोई भी न्यूज अब नहीं पता चलती है। बट उस टाइम पे जब इन्होंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तब उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको कंडक्ट किया था। टेस्टिमनी ऑफ स्टूडेंट्स, हेनरी हैरिस सर के अंडर इतने अमेजिंग जेम्स इंडियन ही नहीं बट ऑल ओवर वर्ल्ड को मिले हैं, कि वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर HD संकालिया, फादर जॉन कोरेरा और फोंजो मोराइस दीक्षित, इन लोगों ने अपने फादर हैरिस के टीचिंग्स को लेकर इतना कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्कियोलॉजी फील्ड में दिया है कि इन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट और के लिए अक्लेम किया जाता है, काफी सारे अवार्ड मिले हैं। उनके जो स्टूडेंट्स है वो उनको एक कैंडल या दिए की तरह मानते थे, जो अपने अपनी लाइट थ्रू अपनी पढ़ाई और अपने जो नेचर है, अपना जो पढ़ाई है, वो एक कैंडल की तरह वो स्प्रेड करते थे। मतलब स्टूडेंट्स के जो मन में जो डार्कनेस है, जो अंधकार है इग्नोरेंस का, या जो चीज उन्हें नहीं पता है, उसके बारे में वो लाइट देते थे और अपने स्टूडेंट्स के लाइफ को उन्होंने ब्राइटन किया। और उनके जो स्पैन ऑफ 30 इयर्स में जब उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उन्होंने मोर देन 300 स्टूडेंट्स को अपने अंडर गाइडेंस दिया है रिसर्च एंड ऑल स्टडी करने के लिए। उनके वेरी फेमस स्टूडेंट्स डॉक्टर HD संकालिया है, जॉन कोरेरा अल्फोंसो है, मोराइस है, दीक्षित है और है। इनफैक्ट फादर हैरिस की मृत्यु के बाद HD संकालिया सर और जॉन कोरेरा अल्फोंसो ने एक बुक लिखी उनके बारे में, एक आर्टिकल लिखा पूरा अपने गुरु को, जो उन्हें वो गुरु कहते थे उन्हें, फादर हैरिस को, उन्हें डेडिकेट करके। और वो आर्टिकल का नाम है हेनरी हैरिस द स्कॉलर एंड हिज वर्क, जिसमें उन्होंने फादर हैरिस की पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनके वर्क के बारे में बहुत ही ज्यादा बात की गई है। और डॉक्टर संकालिया उनके वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे, जिन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया ने पद्म भूषण कन्फर किया था, उन्हें वो दिया था, क्योंकि संकालिया सर के जो कंट्रीब्यूशन है आर्कियोलॉजी फील्ड में उसको लेकर। और जब उन्हें वो अवार्ड मिला पद्मभूषण का, उन्होंने ये कहा कि वो आज जो है वो उनके पेरेंट्स और उनके टीचर फादर हेनरी हैरिस की वजह से है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के कारण उन्होंने एक फादर हैरिस उन स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट्स वेरियस बाबा बहुत सारे साइट्स पे लेके जाते थे। और वही एक साइट पे, जब नालंदा के साइट में वो गए थे, संकालिया सर को समझा के यही उनको करना है, दिस इज हिज, यही उनका रियल इंटरेस्ट है। तो फादर हैरिस के वर्सिटैलिटी के बारे में, उनका जो नेचर था ओवरऑल, उसके बारे में उन्होंने
बात की, उन्होंने बहुत इनोवेटिव बात की कि आज उनका जो जो भी है ये सब वो अगर फादर हेरास के सपोर्ट से कर पाए हैं। उनके जो सेकेंड स्टूडेंट थे, जो भी बहुत वन ऑफ द वेरी ग्रेट स्टूडेंट्स थे, जॉन कोरेरा ऑफोंसो, ये भी बहुत एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के। इन्होंने अपने प्रोफेसर फादर हेरास के डेथ के बाद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको सक्सीड किया। एंड उस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ करता था। तो जॉन कोरेरा ऑफोंसो के टाइम पे जेवियर्स से वो डिपार्टमेंट को मुंबई यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया गया। और जॉन कोरेरा ऑफोंसो ने ही जो जर्नल था और फादर हेरास के इंटरेस्ट, उनको बहुत फादर हेरास को बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग स्टडीज में इंटरेस्ट करना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि वो रिसर्च जर्नल लिखे। वो अपने बच्चों को जब कोई भी साइट पे लेके जाते थे, वो उन्हें कहते थे कि उनका रिपोर्ट प्रिपेयर करो फर्स्ट हैंड, पहली बार उन्हें जो चीज देखी है वो साइट पे, उसके बारे में उनको जो यूनिक लगी है उसके बारे में वो रिपोर्ट प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद जो भी सोर्सेज है वो साइट का, उसको एनालाइज करके एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक पेपर बनाओ, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल बनाओ। तो उनकी जो इच्छा थी ये, इनको इसको लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए जॉन कोरेरा ऑफोंसो ने जर्नल इंडिका और बॉम्बे लोकल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टैब्लिश किया, में जो जर्नल था द बॉम्बे एक्सप्लोरर वो स्टार्ट किया। जो बहुत उनके एक और जो स्टूडेंट थे प्रोफेसर मोरायस, वो उनका अचीवमेंट इंडियन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में बहुत इमेंस रहा है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 30th सेशन के लिए। एंड ये एक एकेडमिकली बहुत बड़ी बात है एक हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए कि वो इतने बड़े इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में प्रेसिडेंट बने हैं। एंड ये सब का ऑफोंसो एंड संकालिया सर, ये सारे क्रेडिट अपना अचीवमेंट का फादर हेरास को देते हैं। एंड वो कहते हैं कि अगर उनके प्रोफेसर और फेरास अगर आज जीवित होते तो वो बहुत खुश होते उनके अचीवमेंट से। उनके उनकी मृत्यु के बाद, फादर हेरास के जब मृत्यु हुई, वो काफी सडन उनकी डेथ हुई, वो बीमार थे एंड वो उनकी डेथ हो गई। और तब वो एक बुक पे काम कर रहे थे, इंडोलॉजिकल स्टडीज, जिसका उन्होंने मैक्सिमम चीजें लिखी गई थी। तो उनके डेथ के बाद उनके स्टूडेंट्स ने उनका जो बुक है उसको एडिट करके पब्लिश किया गया, एंड वही वो बुक है इंडोलॉजिकल स्टडीज। उनके डेथ के बाद इमिडिएटली इन दोनों ने, जॉन कोरेरा ऑफोंसो ने और बर्नार्ड एंडरसन, ये दो स्टूडेंट्स ने उनके वर्क को एडिट करके पब्लिश किया फादर हेरास के नाम पे। फादर हेरास ने अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत वो मोटिवेट करते थे कि आपको हिस्ट्री राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी साइट पे जाते हैं उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में लिखना, सोर्सेस कलेक्ट करके एक रिसर्च आर्टिकल लिखना। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी बुक्स लिखे हैं, और फादर हेरास ने उनको हेल्प किया, एक काइंड ऑफ फॉरवर्ड जो आज हम देते हैं, सपोर्ट किया। और उनके उन्होंने सक्सेसफुली वो बुक्स आज जो उन्होंने उनके स्टूडेंट्स ने जो पब्लिश की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस वर्क है आज स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करने के लिए। तो एक ऐसी बुक जो उनके एक स्टूडेंट ने पब्लिश की थी कदम्बा डिनेस्टी पे, जो कदम्बा डिनेस्टी जो कर्नाटका के एंशियंट से मिडिवल इंडिया का पूरा हिस्टोरिकल स्केच देती है, वो फादर हेरास के गाइडेंस में उनके स्टूडेंट ने पब्लिश किया था। मैंगलोर वो बुक का नाम है, कदम्बा हिस्ट्री के बारे में। एक मराठी जर्नल के जो एडिटर थे, मराठी डेली का जो न्यूज़पेपर है लोकसत्ता, उनके जो चीफ एडिटर डॉक्टर अरुण टिकेकर ने उनकी एक मराठी बुक लिखी है समाज स्पंदानी, दैट इज हार्ट बीट्स ऑफ सोसाइटी। उसमें उन्होंने फादर हेरास का, वो भी उनके स्टूडेंट थे, और उन्होंने फादर हेरास का पूरा एज अ प्रोफेसर वो किस वे में थे और उनकी जो उनका जो तरीका था अपने बच्चों को सिखाने का, वो कैसे अपने काम करते थे, वो कितने अमेजिंग रिसर्चर थे, वो इतने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे, एक फिलोसोफर के तौर पर वो जो थे, वो पूरा उन्होंने वो अपनी बुक में फादर हेरास को डेडिकेट किया है एक सेक्शन। और उन्होंने ये लिखा है कि दिस स्पैनिश प्रीस्ट डिड रिसर्च ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाइल टीचिंग इन सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई राइट फ्रॉम 1922 टिल हिज डेथ इन 1955। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द इंडियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट टू फैसिलिटेट रिसर्च and created a class of disciples
who later worked to solve many puzzles in ancient Indian history, and also raised some doubts about some puzzles which were believed to have been solved. तो इसी बात को उन्होंने कहा कि ये जो स्पेनिश प्रीस थे, ये स्पेनिश से इंडिया आए, इन्होंने इंडिया को अपना घर बना दिया, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा, ये अपार्ट फ्रॉम अ टीचर भी थे, बट इन्होंने जो रिसर्च भी ऑर्गेनाइज किया था, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड करते थे, रिसर्च भी इन्होंने किया और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था रिसर्च के फील्ड में, इंडियन हिस्ट्री के फील्ड में, वो इतना इमेंस था कि ये दोनों भी चीजें इतनी बढ़िया तौर पर करते थे, और इन्हें यही था कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, जो काफी लोगों को नहीं पता है, कितने सारे पजल्स है जो सॉल्व नहीं है, लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में इन्होंने काफी वर्क किया और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि काफी चीजों को लाइट में लेके आना चाहिए जो डार्क में है. और 1954 में जो हेरस इंस्टीट्यूट है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो फादर हेरस ने फाइंड किया था, इसका सिल्वर जुबली हुआ 1954 में. और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अवार्ड किया था. ये जब आए, इन्होंने जब देखा हेरस इंस्टीट्यूट का कलेक्शन, म्यूजियम, और हेरस फादर हेरस का वर्क देखकर, इन्होंने वो बहुत इम्प्रेस हुए कलेक्शन देख के, और उन्होंने कहा कि फादर हेरस एक गाइड थे, एक इंस्पायरर थे स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी हिस्ट्री का रिसर्च और स्टडी अंडरटेक करता है, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनका और उनके स्टूडेंट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्टोरिकल फील्ड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए. फादर हेरस December 14, 1955 में उनकी मृत्यु हो गई, और इमीडिएटली उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमायरर्स हैं, उनको एक फंड स्टार्ट किया, फादर हेरस मेमोरियल फंड, जिससे वो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं रिसर्च स्टडी अंडरटेक करने के लिए. फादर हेरस सर का जो लास्ट राइट था, वो जेवियर्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया. और फादर हेरस का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की थी, जितना उन्होंने कनेक्शन किया है, वो बहुत इमेंस था. उसको कमेमोरेट करने के लिए इंडिया पोस्ट ने एक स्टैम्प रिलीज किया उनके नाम पर, उनके ऑन 14th December 1981. सो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहती हूँ कि फादर हेरस का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन स्टडी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अपने स्टूडेंट्स के लाइफ में, और आज के जो हिस्टोरिकल स्टूडेंट्स, आज भी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं, हमारे लाइफ में काफी इमेंस रहा है. अगर फादर हेरस नहीं आते और अगर फादर हेरस इंडिया में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते, तो मे बी आज चीजें कुछ और होती. तो हम बहुत प्रिविलेज है फ्रॉम लाइक जेवियर्स कॉलेज, बहुत प्रिविलेज है, स्टूडेंट्स बहुत प्रिविलेज है कि फादर हेरस जैसे प्रोफेसर थे और उन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, एंड आज भी हम जैसे रिसर्च स्कॉलर्स जो है इंडिया में, हम उनके बारे में बात कर सके. एंड उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंडिया का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, कल्चर है, इतना ब्यूटिफुल पास्ट है हमारा, उसको इतने अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया. एंड थैंक यू वेरी मच सिंधुजन एकेडमी फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और हमारे जो एल्मा मैटर है फादर हेरस के बारे में बोलने के लिए. तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा. कोई भी क्वेश्चंस आप मुझे फादर हेरस सर के बारे में अगर पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं अभी.
ओके, तो थोड़े क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में है जो मैं अभी आंसर करना चाहूंगी. कलेक्शन का ये एड्रेस सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, महापालिका मार्ग जो आज सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहां पे ग्राउंड फ्लोर में हैरिस इंस्टीट्यूट में ये सब कलेक्शन है. आप मंडे टू फ्राइडे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो. 924. मैं कदम्ब कुल, जो कदम्ब डिनेस्टी है, जिसके बारे में जॉर्ज मुरायस, उन्होंने ही ये बुक लिखा गया उन्होंने ही ये बुक लिखी थी कदम्बा डिनेस्टी पे, और वो फादर हेरास के स्टूडेंट रह गए हैं. और आप कोई भी क्वेश्चन फादर हेरास के रिलेशन में मुझे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ये स्टडी, ये जो आज जो मैं फादर हेरास के बारे में जो आज बात कर पाई हूँ, इसका कदम्बा डायनेस्टी, ये जो मैं आज फादर हेरास के बारे में बात कर पाई हूँ, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माय कॉलेज, माय प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र शिंदे सर, हेरास इंस्टीट्यूट के जो आज के डायरेक्टर है डॉक्टर जोन डायस, एंड बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट के हैं, इनकी वजह से मैं आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाई हूँ. डेफिनेटली जब भी आप बॉम्बे आएंगे या बॉम्बे में आएंगे, यार आप हैरिस इंस्टीट्यूट की डोर्स ऑलवेज ओपन है रिसर्च और स्कॉलर और स्टडी हिस्ट्री के लिए. थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल एंड दिस सेशन. जो सॉरी, एक क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे. कदम्बा डिनेस्टी इज फ्रॉम, कदम्बा डिनेस्टी एक एक डिनेस्टी है फ्रॉम कर्नाटका. आई होप आपके क्वेश्चंस में आंसर कर पाई, एंड डू विजिट हेरास इंस्टीट्यूट समडे, एंड उनके जो कलेक्शन है, जो ब्यूटीफुल कलेक्शन है, उस पे आप एक्सेस कर सकते हो. और फादर हेरास के जो वर्क है और उनके स्टूडेंट्स ने जो वर्क और कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में आप स्टडी कर पाओ. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, सिंधुजन एकेडमी, सुजीत सिंधे सर, एंड टेक्निकल असिस्टेंस के लिए संदीप जाधव सर. थैंक यू वेरी मच.